शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आहा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ जज साहब आग बबूले हो रहे हैं और उसमें पीपी साहब घी डालने का काम कर रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा जानते हैं? अंदर जाने के लिए 5 ही मिनट बचे हैं, यही ना? आहा, सारी बातें सुन ली है आपने, फिर भी यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। चलिए ना सर। यानी हमारे पास 5 मिनट का टाइम और है, वेट करते हैं। सर चलिए ना सर, टाइम हो गया सर। अभी 1 मिनट बाकी है। सर अब तो उठिए ना सर। ठीक है, मेरी कार नीचे पार्क कर दो और सिटी सिविल कोर्ट में जाकर बैंक केस का नंबर पता करो। हाँ ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर। आप सॉरी फॉर द डिले योर ऑनर। अब तक कोर्ट का काफी वक्त जाया हो चुका है। पीपी जी। योर ऑनर, हत्यारन रागिनी ने अपने पति की हत्या करने के लिए उस दिन पूरे 2 घंटे का प्लान बनाया था। अपने पति पर मिट्टी का तेल डालकर उसने उसे बेरहमी से जलाया। उसने जो गुनाह किया है वो सारी नारी जाति के लिए अपमान की बात है। योर ऑनर, इस गुनाह को साबित करने वाले सारे गवाह आप सुन चुके हैं, पर इस केस में बहुत प्रधान और जरूरी गवाह वॉचमैन राघव को मैं बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। राघव, राघव बताओ राघव, मार्च 10 तारीख को क्या हुआ था? जुल्म हुआ साहब, इसने अपने पति पर किरासन तेल छिड़की। वहाँ उसका पति बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था साहब जी, मैं दौड़ता हुआ गया साहब जी। इसका पति आग में लिपट चुका था, चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ दिया साहब जी। That's all your honor. Defense. हत्या 10 मार्च को हुई। जी साहब जी। किस वक्त हुई? ठीक रात के 7 बजे साहब जी। 7 बजे? हाँ। इतना करेक्ट कैसे बता सकते हैं? जब मैंने चीख की आवाज सुनी तब मैं टीवी पे समाचार देख रहा था। समाचार सुन रहे थे? हाँ। अच्छा ये बताओ, उस समय रागिनी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी हुई थी? लाल रंग के साहब जी। तुमने मुझे ध्यान से देखा? देखा। अच्छे से देखा क्या? देखा साहब जी। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है या नहीं? बेकार का सवाल है, दाढ़ी से इस केस का क्या संबंध? संबंध है पीपी जी, आई विल प्रूव इट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। दाढ़ी बढ़ी हुई है या नहीं? दाढ़ी बढ़ी है या नहीं? नहीं है साहब। योर ऑनर, पीपी जी का गवाह हत्या की जगह पर गया तो टेंशन में था। उसे अभी तक याद है कि साड़ी का रंग क्या था, लेकिन मुझे सामने देखने के बाद भी ये नहीं बता पाया कि मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है या नहीं। योर ऑनर, पीपी जी का गवाह ने कहा 7 बजे टीवी पर समाचार देखते समय उसे चीखे सुनाई दी, लेकिन उस समय हत्या की जगह पर करंट था ही नहीं, तो समाचार कैसे सुन रहे थे? और उसी दिन नहीं बल्कि अगले 2 दिन तक वहां पर करंट नहीं था। ये रहा उसका सर्टिफिकेट। राकेश, कोर्ट का डिसिप्लिन बिगाड़ रहे हो। आपको सस्पेंड करने के लिए बार काउंसिल को रिकमेंड करता हूं। थैंक यू योर ऑनर। मैंने कोर्ट में सिगरेट पी कंघी की अंगड़ाई ली, इसके लिए आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसमें कितना समय लगा? सिर्फ 5 मिनट सर। लेकिन योर ऑनर, 7 साल से पति की हिंसा सहने वाली इस रागिनी को कितना गुस्सा कितना आक्रोश होना चाहिए एक बार सोच कर देखिए। पति ने मारा तो सहन किया, मंगलसूत्र बेच के जुआ खेला तो भी सहन किया, नशे में उसके पेट पर लात मारी तब भी उसने सहन किया, पेट के बच्चे को मारा तो भी खून का घूंट पी गई, लेकिन 100 रुपए के लिए पराए आदमी के पास भेजेगा तो कौन सहन करेगा? आप ही बताइए योर ऑनर। इसीलिए उस पर केरोसिन डालकर उसे मार डाला। इसका अपने पति को मारना पूरी तरह जायज है। ये मर्डर एक सोची समझी साजिश नहीं था, बल्कि एक लाचार औरत का अपनी इज्जत बचाने के लिए उठाया गया कदम था। हमारे पीपी साहब ने बताया रागिनी ने बहुत बड़ा प्लान बनाकर अपने पति को मारा। इतनी सहनशील औरत प्लान क्या बनाएगी, गुस्सा आ जाए इतना ही बहुत है। योर ऑनर, मैं जानबूझकर कोर्ट में 5 मिनट लेट आया था,
देखा ना इससे आपको कितना गुस्सा आया। मैं कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं आप, फिर भी मुझे सस्पेंड करने का फैसला किया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक मामूली औरत गुस्से को कैसे कंट्रोल करती? आपका गुस्से को कंट्रोल न कर पाना न्याय है तो रागिनी का भी अपने पति को मारना न्याय है। मर्डर करके भी अपनी इज्जत बचाने वाली औरत ही सच्ची औरत है। आप अपने आईपीसी सेक्शन देखकर नहीं बल्कि इस औरत के आंसू और दर्द देखकर अपना फैसला सुनाइए। यस यस दैट्स ऑल योर ऑनर। राकेश की बातें सुनने के बाद मेरा अनुभव ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंगलसूत्र को पवित्र बंधन का मान देने वाली एक भारतीय नारी आखिर पति की हत्या क्यों करेगी? कानून नहीं समझ पाएगा। दिल और दिमाग दोनों रहने वाले इंसान को ही समझ में आता है, इसीलिए कानून के दायरे से बाहर आकर मानवता के भाव से इस विषय पर सोचने के बाद राकेश की बातों से सहमत होकर रागिनी को निर्दोष है ऐलान करके बरी किया जाता है। इस काम के लिए गए थे? हो गया? हाँ हो गया सर। अरे अरे ये क्या कर रही हैं? ऐसा मत कहिए साहब जी, आपके पैर पड़ने के अलावा फीस देने की क्षमता मुझ में नहीं है। ये लीजिए साहब जी। रहने दीजिए। मना मत कीजिए, रख लीजिए। मैंने ये केस आपकी फीस के लिए नहीं लड़ा, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ा है। नमस्ते साहब जी। बिना फीस लिए चले गए, यही ना? देखो बहन, कुछ लोगों के लिए नोट एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एलर्जी। जरा यह नोट मुझे देना। देखो बहन, इस नोट पर सिंह के चित्र के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। झूठ बोलकर पैसे कमाने वाले गधे लोग इसको देखते हैं क्या? नहीं देखते, लेकिन उन्होंने देखा, इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट से ज्यादा इस पॉइंट को पसंद किया। उस पॉइंट पर चलने वाले उस आदमी की चाल देखो बहन, उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी नजर में सच्चाई, उसके दिल में ईमानदारी और विचार में धर्म है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो है ऑनेस्ट राकेश। क्या बात है यार, हार दिया, समझ गया मैं। आखिर में झूठा बयान देने में तू नंबर वन है, ये साबित हो चुका है यार। क्यों, उसने जब दाढ़ी का रंग पूछा तो तू घबरा क्यों गया? चल चल, होता है, कभी कभी होता है। क्या बताऊं यार, मेरे लड़ने मुझे इशारा नहीं किया था, घबराहट में बोल दिया दाढ़ी नहीं है। चाहे जो भी हो, अपना पैसा तो अपने को मिल गया ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। और क्या है? अरे क्या कर रहे हो? कोर्ट में झूठ क्यों बोला तूने? बोला तो क्या हुआ रे, मार क्यों रहा है मुझे? फिर कभी झूठ बोला तो तेरे पाप को भी मारूंगा। क्या रे, क्या रे? मेरे दोस्त को क्यों मारा तूने? क्या रे, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ की ये हालत होती तब भी ऐसा ही झूठ बोलता? वो मेरी मर्जी। क्या बोला रे? औरत की इज्जत न करने वाला माँ के नाम की पुकार लगाए तो अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारा कभी झूठ बोला ना सर? चलिए सर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साले। लॉयर्स गुंडों की तरह मारामारी करेंगे तो न्याय और कोर्ट का महत्व नहीं रहेगा। दुनिया में झूठ 100 में से 99 लोग बोलते हैं, तो क्या सबको तू मारता फिरेगा? देख, बेवजह गुस्से को बढ़ाकर अपने मन की शांति को खोना मत। 4 साल पहले कितनी खुशी से हंसते और हंसाता रहता था। मुझे पहला वाला राकेश चाहिए बेटा। उस राकेश को मरे हुए 4 साल हो गए माँ। माँ और खाने से रूठना नहीं चाहिए बेटा, बैठ खाना खा। तू क्यों बदल गया ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। तेरा बदलना, तुझे मेरा बदलना कितना मुश्किल है मैं जानती हूं। ठीक है, थोड़ा छाछ तो पी ले,
शायद मन ठंडा हो जाएगा। अंकल पेपर। और राजू पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अंदर जाकर दे दो। इस कार की कीमत जानता है तू? इसके नीचे आकर अगर तू मरता तो इस महंगी कार का क्या होता? तुझ जैसे भिखारियों को कुत्तों की तरह मारना चाहिए, तभी इस कंट्री का भला होगा। जाओ। जिंदगी की कीमत तुम्हारी कार से कम है क्या? हाँ? इंसान को इंसान की तरह देखने की आदत डाल लो, अगर नहीं डालोगे तो कुत्ते की मौत मारोगे। कितना आंकड़ू है सर? कौन है सर वो? वो मेरा बेटा है। He is my son. Aye. Don't you ever call me your son, Mr. Mahindra. मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। 4 साल पहले, 4 years back, तुम मेरे लिए मर चुके हो। मैं तुम्हारी चिता को जला के राख कर चुका हूं। You don't exist for me, Mr. Mahindra. मुझे गुस्सा मत दिलाना। पहुंचने के बाद भी तुझे दर्द नहीं हुआ? जब दिल का घाव बर्दाश्त कर गया तो ये तो शरीर की चोट है, राकेश के कारण रागनी केस की जीत हुई। हाँ देखो शैला, लॉयर राकेश जी दिन ब दिन सेंसेशनल लॉयर बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं लिया। क्या करें सर, उन्हें पब्लिसिटी का शौक नहीं है। उनका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन वो मानते ही नहीं है सर। इसीलिए अपने चेन्नई ब्रांच से स्पेशल रिपोर्टर संध्या को बुलाया है। मिल ही नहीं सकता, 3 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। इंसान को लॉन्ग शॉट में स्टडी करना चाहिए शैलू। मेरा कहना मानती क्यों नहीं? राकेश जी रोज कोर्ट में आते हैं, जाकर क्लोजअप ले लो ना। कम ऑन क्विक, हरी अप। ओफो, लेट मत करो, जल्दी हरी अप। कम ऑन, लेट हो रहा है, जल्दी। हे संध्या, राकेश जी की कार आ गई। मस्त है यार। ए माइक ऑन कर। ऑन करती हूँ। ए इंटरव्यू लो। हेलो कैमरा।
जेमिनी टीवी के दर्शकों को हमारा नमस्कार। अब आपकी संध्या आपको मिलाएगी एक महान हस्ती से। जी हाँ, मैं आपको मिलाने वाली हूँ द ग्रेटेस्ट लॉयर ऑफ आवर टाइम्स, राकेश से। हेलो, माइक टेस्टिंग। शट अप, रॉन्ग नंबर। फॉलो कैमरा। कम ऑन हरी अप, फास्ट। स्टार्ट कैमरा फास्ट। गुड मॉर्निंग मिस्टर राकेश, आई एम संध्या फ्रॉम जेमिनी टीवी। हमारे सारे दर्शक आपकी हीरो से कीमती बोली को सुनना चाहते हैं। प्लीज सर, मिस्टर राकेश। तो दर्शकों, देखा आपने, महान लोग हमेशा कुछ नहीं बोलते, इसलिए राकेश जी के चुप्पी के पीछे राज क्या है, चलिए जानते हैं। इस फाइल में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्या है, तुम्हें बताने के लिए बोला था ना? हाँ, बताया था सर। क्यों नहीं अभी तक? आप इतने खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग है, अगर आप सिनेमा में जाते तो धमाका हो जाता। फिर भी आपने लॉयर का पेशा क्यों चुना, बताइए, जनता जानना चाहती है। सुनो गुलाब सर, शूटिंग की परमिशन है क्या? नहीं कहूंगा तो है सर, और हाँ कहूंगा तो नहीं है सर। है या नहीं? आप ही ने इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया था, ऐसा ही उन्होंने कहा सर, इसीलिए आने दिया। जज साहब की कसम खा करके फोन आ गया सर, चलता हूँ। 5 मिनट में ये जगह खाली हो जानी चाहिए सर। आप जरा इधर आइए। कैमरा ऑफ करो, चलो। सुनो, इस बार मुसीबत टल गई, तुम लड़की हो इसीलिए बच गई। बालाजी के मंदिर में जाके मुंडन करवा लेना, चाहिए तो मैं तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए विग दे दूंगा। किस लिए? झूठ बोलने पर हमारे लॉयर साहब उठाकर गिराकर पटक कर बदन के सारे पार्ट तोड़ देते हैं, फिर तुम हाथ में माइक लेकर राकेश राकेश कहते फिरना। बढ़िया ही, नहीं तो मेरा इंटरव्यू ले लो। चल यहां से। बैड लक, जेमिनी टीवी का नसीब खराब है, स्टार टीवी वाले पूछ रहे हैं, उन्हें दे दूंगा। दिमाग ठिकाने पर आया ना, राकेश की बात भूल जाओ और चलो। कट। ये क्लोजअप मिस हुआ तो क्या हुआ, अगली बार इस हरी मिर्च का दूसरा क्लोजअप लेती हूँ। हरी मिर्च, इसका असली नाम यही है, चलो। गोविंदा गोविंदा, अरे बाप रे, गोविंदा गोविंदा। ए, तुम्हें कौन से गांव जाना है? क्या, कौन से गांव जाना है? कौन से भी गांव जाओ, तुझे क्या करना है? सुनो, तुम पैसा लेकर टिकट दो बस, गांव के लोगों को पागल समझते हो क्या? इस बोझे का भी लगेज देना पड़ेगा। इसका लगेज लगाओगे तुम? इतने से बोझे का? गांव के आदमी को पागल समझते हो तुम? इतने से बोझे का लगेज लगाओगे तुम? इसका एक्स्ट्रा वजन है, इसलिए लगेज देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वजन है तो क्या लगेज देना जरूरी है? बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। अरे भाई, मुझे सब पता है, गवर्नमेंट का काम लूटने का होता है। वैसे इन सारे आदमियों का वजन भी एक्स्ट्रा है, तो क्या इनका भी लगेज लगाओगे तुम? लगेज का पैसा दोगे तो आगे लेकर जाऊंगा, नहीं तो यहीं उतार दूंगा। क्या उतार दोगे मुझे? इससे बात कर रहे हो, जानते हो तुम ऐसे बात कर रहे हो? मुझे पागल समझते हो? मुझे उतार दोगे तो बस उस रस्ते से इस रस्ते पे आएगी क्या? ए, तेरे टिकट का जो भी पैसा बनता है चुपचाप ले ले, मुझे उतारने की बात करता है? गांव के लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या? देखो, कान खोल के सुन लो, मैं जितनी दूर इसे लेकर सफर करूंगा ना, उतनी दूर ये बोझा मेरे सर पर ही रहेगा। तेरे बस में रखा तो लगेज ले लेना, क्यों सही है ना? सॉरी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर देखिए ना, ये कैसी बात कर रहे हैं। अरे कहाँ कहाँ चले आते हो, लाओ टिकट के पैसे दो। देता हूँ ना, मैं क्या भाग जाऊंगा क्या? क्या है ये, क्या है, सब चिढ़कर बात करते हैं, सब लोग एक साथ सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा सामान ले सकते हैं? पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कर रहे हैं? ये लो पैसे। ये क्या है, 10 पैसे कम है। और नहीं है? और चाहिए? अरे नहीं है, बोला ना दो। अरे नहीं है, बोला ना। नहीं दोगे तो यहीं उतार दूंगा। मुझे उतार दोगे तुम? गांव के लोगों को पागल समझते हो, खुद को समझते क्या हो? अरे 10 पैसे के लिए उतार दोगे? इतने लोगों से बराबर से पैसे लिए, 10 पैसे कम नहीं ले सकते क्या तुम? सुनो, ये कैसी नाइंसाफी है, बेईमानी की बात कर रहे हो? और आप ईमानदारी की बात करें क्या? वो बात नहीं है, तुम्हें उन्हें 10 पैसे देने हैं ना। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें उन्हें 10 पैसे देने हैं कि नहीं? तो दे दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास नहीं है। मुझे क्या मतलब है? तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही। अरे जब पैसे देने नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, जब बस में इतने लोग हैं, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। हम दोनों आपस में बात करेंगे और सारा मामला खुद ही सुलझा देंगे, आप बीच में मत पड़िए। हाँ तो भाई, सिर्फ 10 पैसे कम है तो समझना चाहिए ना, मान भी जाओ ना।